वेलकम गाइज टू द चैनल बाय कंसेप्ट विद मी। होप गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हमारा टॉपिक है अमाइलोडोसिस का सेकंड पार्ट, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में गाइज हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन अमाइलोड का बताया था, साथ साथ में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई थी। आज की वीडियो में, आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। और गाइज फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से दे सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइलोड, डायग्नोसिस कैसे करते हैं अमाइलोड का, साथ साथ में अमाइलोडोसिस ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका अमाइलोडोसिस हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब गाइज सबसे पहले हम आते हैं स्टेनिंग प्रॉपर्टीज पे। अब उसमें हम स्टेन करेंगे ग्रोस का, ग्रोस मतलब आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। सपोज करो गाइज कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, उस पर क्या हो गया, अमाइलोडोसिस हो गया, उस ऑर्गन पे अमाइलोडोसिस हो गया। तो उसकी जो कट सरफेस है ना ऑर्गन की जो कट सरफेस है, हम उसके ऊपर लगाएंगे ल्यूकोल्स आयोडीन। क्या लगाएंगे? ल्यूकोल्स आयोडीन। जैसे गाइज हमने ल्यूकोल्स आयोडीन लगाया ना, जैसे ल्यूकोल आयोडीन लगाया, उसका कलर जो है मेहोगनी ब्राउन कलर हो जाएगा। मेहोगनी ब्राउन कलर जैसे हुआ गाइज, ठीक है, फिर हमने उस H2SO4 पर पुट कर दिया। जैसे मेहोगनी ब्राउन कलर हुआ, हमने H2SO4 पर वहां पर पुट कर दिया। जैसे ही H2SO4 पर पुट करेंगे ना गाइस, तो कलर उसका ब्लू कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? ब्लू कलर। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी है ना गाइस, ये जो प्रॉपर्टी है, ये किसकी तरह बिहेव कर रही है? स्टार्च। स्टार्च की भी हम सेम जो स्टेन करेंगे स्टार्च को, तभी भी सेम रिजल्ट आएगा। तो इसकी जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है अमाइलोइड की, वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? स्टार्च की, स्टार्च की तरह बिहेव कर रही है। तो इसका नाम क्या रख दिया हमने? अमाइलोइड। अमाइलोइड नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है इसकी, स्टार्स की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है गाइस। और जो स्टेन ऑन ग्रोस वाला जो ये स्टेनिंग प्रॉपर्टी है ल्यूकोल आयोडीन की, ये एंसियंट, बहुत एंसियंट है, मतलब शुरू शुरू में हम यही वाला स्टेनिंग यूज करते थे। आजकल तो बहुत सारी स्टेन्स आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट हम करें सेकेंड स्टेन करें HND। HND स्टेन करें पिंक कलर यहां पर आता है, पिंक कलर आएगा, ठीक है। एपियरेंस, और एपियरेंस कैसे आएगी गाइस? एक्स्ट्रा सेलुलर होमोजीनस, ठीक है, स्ट्रक्चर एपियर होएगी, ठीक है, स्ट्रक्चरलेस एंड इओसिनोफिलिक एपियरेंस आएगी, ठीक है। एच एंड डी से करेंगे तो कैसे एपियरेंस आएगी? एक्स्ट्रा सेलुलर होमोजीनस स्ट्रक्चरलेस और इओसिनोफिलिक एपियरेंस आएगी। किसकी एपियरेंस आएगी? ये अमाइलोइड की एपियरेंस आएगी, ठीक है। थर्ड आएगा गाइस, थर्ड स्टेन है मेटाक्रोमेटिक स्टेन। अब गाइस एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है, एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जो अमाइलोइड है वो एक प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है गाइस? मेटाक्रोमेशिया। अब गाइस मेटाक्रोमेशिया क्या होता है? व्हाट इज मेटाक्रोमेशिया? मेटाक्रोमेशिया गाइस, हम कोई भी अमाइलोइड के जब हम डाई लगाएंगे, तो वो अमाइलोइड उस डाई से रिएक्ट करके अगर चेंज कर ले, अपना कलर चेंज कर लेता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेटाक्रोमेशिया। कोई भी डाई है अमाइलोइड के साथ, हमने रिएक्ट कराया उसको, और अमाइलोइड अपना चेंज जो कलर है वो चेंज कर ले, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? मेटाक्रोमेशिया। कुछ डाइज होती हैं गाइस जिससे अमाइलोइड अपना चेंज कलर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल वॉयलेट एक डाई है, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई है। इन डाई को अपन अमाइलोइड के लगाएंगे तो अमाइलोइड अपना चेंज जो कलर चेंज है वो कर लेगा, ठीक है। तो डाइस को क्या बोलते हैं? मेटाक्रोमेटिक डाइस। कैसी प्रॉपर्टी रखता है अमाइलोइड? मेटाक्रोमेशिया प्रॉपर्टी रखता है, जिससे वो अपना कलर चेंज कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, ठीक है, रोज पिंक कलर कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोंगो रेड, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। कोंगो रेड में दो चीजें आएंगी, जब कोंगो रेड डाई लगाएंगे और फिर हमने लाइट माइक्रोस्कोप में अगर उसको देखेंगे, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे अलग रिजल्ट आएगा, और पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो अलग रिजल्ट आएगा। लाइट माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो गाइस पिंक रेड कलर, कैसा कलर आता है? पिंक रेड कलर, ठीक है। और पोलराइज लाइट में देखेंगे तो कैसे स्टेन करेगा? एप्पल ग्रीन जो बायोरेफरेंस कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कोंगो रेड गाइस यूज्ड टू डिफरेंशिएट, इसको एक और चीज के लिए भी काम में लेते हैं, जो आपका AA है और AL टाइप है अमाइलोइड का, उसको डिफरेंशिएट करने में भी ये काम आता रहता है, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब गाइज हम आते हैं फ्लोरोसेंट स्टेन पे।
इसका मतलब क्या होता है गाइस, इसमें देखेंगे हम, इसमें हम एक डाई यूज करेंगे थायोफ्लेविन। थायोफ्लेविन को गाइस जैसे ही हम अमाइलॉइड पे लगाएंगे, थायोफ्लेविन को जैसे ही अमाइलॉइड पे लगाएंगे तो थायोफ्लेविन अमाइलॉइड के क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अमाइलॉइड के बाइंड होने के बाद में अगर सन रेज, जो सन है, सन से जैसे यूवी रेज आती है तो फिर क्या होता है गाइस, सन से जैसे यूवी रेज आई तो ये जो अमाइलॉइड के साथ बाइंड हुई थी थायोफ्लेविन, ठीक है, वो कैसा कलर हो जाएगा उसका, येल्लो कलर। ठीक है, अमाइलॉइड का कलर कैसा हो जाएगा, येल्लो कलर हो जाएगा यूवी रेज आने पे। तो ये डाई कौन सी है, फ्लोरोसेंट डाई। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, सिक्स्थ आपका इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इसमें क्या होता है गाइस, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो मैकेनिज्म है वो यहां पर यूज होगा। अब जो एंटीजन कौन है, एंटीबॉडी का कौन है, ये यहां पर देखने वाली बात है। एंटीजन गाइस यहां पर जो अमाइलॉइड जिस प्रोटीन का बना होता है, मतलब जिस प्रोटीन का डिपोजिशन होता है अमाइलॉइडोसिस में, वो किसकी तरह बिहेव करता है, एंटीजन। ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एंटीजन में। ठीक है, और गाइस ठीक है, एंटीबॉडी कौन बिहेव करेगा, जो हम क्रॉस कोरेस्पॉन्डिंग जो डाई लेते हैं, जो कोरेस्पॉन्डिंग जो डाई लेंगे गाइस, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी स्टेन लेंगे वो डाई के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, और वो डाई के फॉर्म में लेंगे तो वो एंटीजन से रिएक्ट करेगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहां पर बन जाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और जिससे हमें आसानी से पता चल सकता है कि इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर गाइस यहां तक की सारी चीजें। अब गाइस यहां पर आप ये टेबल है छोटी सी, इसको आप इजीली शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हो। HND पिंक, ठीक है, मिथाइल वोलेट मेटाक्रोमेशिया, कॉन्गो रेड से क्या आएगा, लाइट माइक्रोस्कोपी, जो हमने अब तक बताया इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, थायोफ्लेविन अल्ट्रावायलेट से फ्लोरेसेंस देगा। ठीक है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली अभी तक, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है जो हमने यहां पर बता दिया। अब आते हैं गाइस हम डायग्नोसिस, कि हम अमाइलॉइडोसिस जो होती है उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। पहला आता है गाइस टिश्यू डायग्नोसिस। सबसे पहले क्या आएगा, टिश्यू का हम डायग्नोसिस करेंगे। टिश्यू डायग्नोसिस में गाइस दो टेक्निक्स यूज होती है। कितने टेक्निक यूज होंगी, दो टेक्निक आपकी यहां पर यूज होती है। पहला आता है बायोप्सी, सेकेंड टेक्निक जो यूज होगी वो आता है आपका बोन मैरो एस्पिरेशन। ठीक है, एस्पिरेशन, बायोप्सी रेस्पिरेशन की वीडियोस में हमने बनाई थी, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, बायोप्सी में गाइस क्या होता है, बायोप्सी एक कॉमनेस्ट मेथड है टिश्यू डायग्नोसिस का अमाइलॉइडोसिस के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंफर्मेटरी मेथड भी होता है। ठीक है, कॉमनेस्ट एंड कंफर्मेटरी मेथड, इसमें गाइस किडनी रेक्टल टंकी हम बायोप्सी कर लेते हैं, और बायोप्सी करने के बाद में गाइस हम यहां पर क्या करेंगे, जो स्टेनिंग होगी कॉन्गो रेड से हम स्टेन कर लेंगे। क्यों स्टेन करेंगे, कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए, भाई असली में जो ये अमाइलॉइडोसिस प्रेजेंट है या नहीं, वो कंफर्मेटरी के लिए करेंगे। ठीक है, पहले हम बायोप्सी कर लेंगे, बायोप्सी के बाद जस्ट क्या करेंगे, कॉन्गो रेड स्टेन करेंगे पोलराइज लाइट में टू कंफर्म। ठीक है, एस्पिरेशन में क्या करते हैं, जो एस्पिरेशन है वो क्यों करेंगे हम, एस्पिरेशन हम एब्डोमिनल सबक्यूटेनियस फैट की डायग्नोसिस के लिए करते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल सबक्यूटेनियस फैट की डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, तो आपको डायग्नोसिस समझ में आ गई। अब आता है गाइस सेकंड डायग्नोसिस, पहला हमने देखा टिश्यू बायोप्सी, अब सेकंड है गाइस इनवाइवो कॉन्गो रेड टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम इंट्रावीनस, हम जो है जो कॉन्गो रेड डाई होती है उसको हम क्या करते थे, इंट्रावीनस इंजेक्टेड, इंट्रावीनसली हम उसको इंजेक्ट करते हैं। अब जैसे ही हमने इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया तो अगर अमाइलॉइड प्रेजेंट है, तो अमाइलॉइड प्रेजेंट है तो वो कॉन्गो रेड डाई के साथ क्या करेगा, अटैच होएगा। अब कॉन्गो रेड डाई के साथ अमाइलॉइड अटैच हो जाएगा तो उसका जो ब्लड लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर अमाइलॉइड प्रेजेंट है तो अमाइलॉइड बाइंड टू डाई, डाई के साथ बाइंड होएगा, डाई के साथ जैसे ही बाइंड होएगा तो उसका जो लेवल है, ब्लड का जो लेवल है अमाइलॉइड का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, और गाइस ये जो मेथड है, जो इनवाइवो कॉन्गो रेड टेस्ट, ये हम नहीं कर पाते, इस मेथड को हम यूजुअली हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एनाफाइलेक्टिक जो है रिएक्शन शो करता है इंजेक्शन के कारण, इंजेक्ट करते हैं ना हम इसको डायरेक्ट, तो ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन शो करेगा जिसकी वजह से हम इसको नहीं कर पाते। क्लियर गाइस यहां तक।
अब गाइस हम यहाँ पर देखने वाले हैं अमायलोडोसिस ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के हम अमायलोडोसिस देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्गन्स में लेते हैं किडनी, किडनी ले लेते हैं, इजी है। तो अमायलोडोसिस ऑफ किडनी किडनी लेते हैं, ठीक है। किडनी में गाइस हम देखेंगे जो मोस्ट ऑफ किडनीज होती हैं उनके अंदर जो केसेस आते हैं उनके अंदर सेकेंडरी अमायलोडोसिस ज्यादा होता है, सेकेंडरी अमायलोडोसिस जो वो है वो ज्यादा होता है। कुछ 1/3 केसेस हैं जिसके अंदर प्राइमरी अमायलोडोसिस भी हो सकता है। आखिर होता क्या है गाइस, किडनी के अंदर जो अमायलोइड है वो डिपॉजिट हो जाता है गाइस, किसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, जो ग्लोमेरुलाई होती है किडनीज की, जो ग्लोमेरुलाई है वहां पर वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, किडनी की ग्लोमेरुलाइज में। जैसे डिपॉजिट होता है तो कुछ चीजें ये प्रोड्यूस करता है, कुछ काज करता है अमायलोइड, क्या कर देगा किडनी के अंदर, ये प्रोटीनूरिया कंडीशन कर देगा, ठीक है, और साथ साथ में नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी ये प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर गाइस, ग्रोस देखें कि हमें अमायलोडोसिस हो गया तो हमें क्या बाहर रूप से हम क्या देख सकते हैं किडनी के अंदर मोर्फोलॉजी में, तो किडनी जो है वो नॉर्मल साइज रहेगी किडनी की, और साइज उसकी क्या हो सकती है, इनलार्ज भी हो सकती है, और साथ साथ में गाइस जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तीन है कि नॉर्मल भी रह सकती है, इनलार्ज भी रह सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। और जो कट सरफेस है किडनी की, कट सरफेस जो है किडनी की वो पेल वैक्सी और ट्रांसल्यूसेंट कलर की दिखेगी, पेल वैक्सी और ट्रांसल्यूसेंट कलर की, इमेज दिखा रहे हैं हम यहाँ पे, ये इमेज है गाइस, ठीक है, यहाँ पर देखो पेल कलर का दिख रहा है, पेल और वैक्सी और ट्रांसल्यूसेंट कलर का। वैसे ये एरो दिख रहा है ना, ये जो एरो दिख रहा है ये क्या शो करवा रहा है, ये जो एरो है ये कोर्टिको मेडुलरी डिस्टिंक्शन, जो कोर्टेक्स है और जो मेडुला का जो डिस्टिंक्शन है वो उनको हम अलग अलग नहीं कर पाते, कोर्टेक्स और मेडुला को हम यहाँ पर अलग अलग नहीं देख पाएंगे इस अमायलोडोसिस के अंदर किडनी के, ठीक है। तो कोर्टिको मेडुलर डिस्टिंक्शन जो है उसका लॉस हो जाता है, ठीक है, जो एरो है ये इसी चीज को दिखा रहा है। अब सेकंड है गाइस, सेकंड चीज है यहां पर माइक्रोस्कोपी, हमने ग्रोस देख लिया, अब देखेंगे इसकी माइक्रोस्कोपी, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में देखेंगे गाइस जो अमायलोडोसिस है वो प्राइमरीली अमायलोडोसिस जो है ग्लोमेरुलाई के अंदर अमायलोडोसिस सबसे पहले होता है, ठीक है। कभी कभी गाइस अमायलोडोसिस जो है किडनी के जो पेरिट्यूबुलर जो इंटरस्टियल जो टिश्यू है उनके अंदर भी अमायलोडोसिस हो सकता है, ज्यादातर किसमें होता है, ग्लोमेरुलाई के अंदर। अब ग्लोमेरुलाई के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलाई के अंदर इनिशियली जो होता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना ग्लोमेरुलाई की, सबसे पहले वो वहां पर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हुआ धीरे धीरे एक्सटेंड करता हुआ अंदर चला जाता है, उससे क्या हो जाता है गाइस, ल्यूमिनल जो है उसका नैरोइंग हो जाएगी, जो ल्यूमन है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है अमायलोडोसिस की वजह से। अमायलोडोसिस में क्या होता है, डिपोजिशन होता है, तो उसकी वजह से जो ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, नैरो होता जाएगा, उसके कारण जो ग्लोमेरुलाई का जो स्ट्रक्चर है उसका क्या हो जाता है, डिस्टोर्शन, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। ग्लोमेरुलाई की स्ट्रक्चर जैसे ही डिस्ट्रॉय होती है वैसे ही क्या हो जाएगा गाइस, जो परमिएबिलिटी होती है ग्लोमेरुलाई की, जो परमिएबिलिटी है ग्लोमेरुलाई की वो क्या हो जाएगी गाइस, परमिएबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे ही परमिएबिलिटी डिस्टर्ब होगी तो बहुत सारे सिंड्रोम्स हो जाएंगे गाइस, बहुत सारे सिंड्रोम्स हो जाएंगे आपके, जैसे प्रोटीनूरिया हो जाएगा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपके डेवलप हो जाएगा, ठीक है। गाइस ग्लोमेरुलाई के साथ साथ में ट्यूबुल्स में भी ये चीजें होती है, ट्यूबुल्स में भी सेम चीजें, किडनी के जो ट्यूबुल्स है उसमें भी ट्यूबुलर नैरोइंग हो जाएगी, जो ल्यूमन है ट्यूबुल्स का वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज ये प्रोसेस ट्यूबुल्स में भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, जैसे हम यहां पर देख सकते हैं यहां पर ग्लोमेरुलर डिपोजिट दिख रहा है आपको, ये ग्लोमेरुलर डिपोजिट एरो दिख रहा है, यहां पर क्या हो जाता है, ये ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर है, ये वाली ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर है, तो यहां पर ग्लोमेरुलस डिपोजिट पिंकिस पिंकिस सा मटेरियल है, ये अमायलोइड है, ठीक है। इंटरस्टियल वेसल्स में देखिए आप, ये इंटरस्टियल वेसल्स है, यहां पर भी क्या डिपोजिट हो रहा है, अमायलोइड, ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें है आपका इंटरस्टियल जो वेसल्स है उसमें भी डिपोजिशन दिखा रहा है आपको, जो प्रोटीन्स है आपके प्रोटीन कास्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमने हिस्टोलॉजी स्लाइड से भी हम यहां पर पता कर सकते हैं, क्लियर। अब देखेंगे गाइस हम अमायलोडोसिस ऑफ स्पीन, स्पीन के अमायलोडोसिस में क्या होता है, दो तरह का होगा गाइस यहां पर, एक होता है सैगो स्पीन में क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, एक होता है लोराडेशियस
स्प्लीन, लार्डेशियस स्प्लीन, ठीक है। सागो स्प्लीन में क्या होता है गाइस, जो अमाइलॉइड है वो स्प्लीन के फॉलिकल्स, स्प्लीन में क्या होता है एक फॉलिकल्स होते हैं, एक होता है इंटेस्टाइन, ठीक है। फॉलिकल्स जो है उनमें डिपॉजिट होएगा अमाइलॉइड, स्प्लीन के फॉलिकल में अगर डिपॉजिट हो रहा है तो कैसा है सागो स्प्लीन, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक देखें हम सागो स्प्लीन की, तो गाइस जो अमाइलॉइड है वो व्हाइट पल्प में डिपॉजिट होएगा, जैसे ही व्हाइट पल्प में डिपॉजिट होता है वो एक्सटेंड करता हुआ कहां चला जाएगा फॉलिकल्स में, कहां चला जाएगा फॉलिकल्स में, ठीक है, फॉलिकल्स में चला जाए। सबसे पहले कहां पर, व्हाइट पल्प में, फिर फॉलिकल में, तो फॉलिकल में अगर डिपॉजिट हो रहा है तो सागो स्प्लीन, ठीक है, ठीक है। अब इसका माइक्रोस्कोपी देख ला, ग्रोथ हम देखें इसकी, तो जो स्प्लीन है स्प्लीन का क्या हो जाता है इनलार्जमेंट नहीं होता, जो स्प्लीन के जो अमाइलोडिसिस है सागो स्प्लीन में, क्या एक चीज ध्यान रखनी है कि स्प्लीनिक इनलार्जमेंट स्प्लीनोमिगली नहीं होएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और गाइज जो कट सरफेस है सागो स्प्लीन में वो क्या आपको क्या दिखेगी, कट सरफेस जो है ट्रांसल्यूशन पेल एंड वैक्सी नोड्यूल्स, ठीक है, आपको उसकी तरह रिजेंबल होगी। और सागो ग्रेन, सागो ग्रेन जानते हो ना दाने दाने से, जो फॉलिकल्स में अगर अमाइलोडिस होगा तो सागो ग्रेन दाने दाने से हो जाएंगे, इसलिए हम इसको सागो स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइस लार्डोसियस स्प्लीन, इसके अंदर क्या होता है गाइस, देखो ये स्प्लीन है, दो आपके स्प्लीन है, अब फॉलिकल्स के अंदर जो हो रहा था वो सागो स्प्लीन था, ये जो ब्लैकिस ब्लैकिस है ये फॉलिकल, और ये जो ब्लूस दिखा रहा हूं मैं ये अमाइलॉइड है, ये अमाइलॉइड है, ठीक है। अभी ये है फॉलिकल्स में अमाइलॉइड हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम, सागो स्प्लीन, ये क्या है सागो स्प्लीन, ये क्या है सागो स्प्लीन। और गाइस ये जो है साइनस के अंदर हो रहा है, ये क्या है साइनसिस, क्या है साइनसिस, साइनसिस के अंदर हो रहा है तो ये कौन सा है लोराडिशियस, लोराडिशियस, ठीक है। और गाइस यहां पर मैप लाइक एपीरियंस दिख रही है, मैप लाइक एपीरियंस, मैप लाइक नक्शे की तरह दिख रहा है, ठीक है। अब गाइस लार्डिशियस स्प्लीन में क्या होता है, जो स्प्लीनिक साइनस है, स्प्लीनिक साइनस के अंदर अमाइलॉइड डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और गाइस इसकी ग्रोथ देखें हम तो स्प्लीन क्या हो जाती है इनलार्ज होता है, जबकि सागो स्प्लीन में स्प्लीन नोमिगली नहीं हो पाता, क्लियर गाइस ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। जो कट सरफेस है वो क्या शो करेगी, मैप लाइक एरिया शो करेगी, वो हमने बता दिया। और जो माइक्रोस्कोपिक यहां पर देखें हम, माइक्रोस्कोपिकली देखें तो गाइस जो कट सरफेस है माइक्रोस्कोपिक देखें तो गाइस जो माइक्रोस्कोपिक देखें तो रेड पल्प में अमाइलोडिसिस होता है, और वहां पर जो सागो स्प्लीन हमने बताया था वहां पे व्हाइट पल्प में अंदर अमाइलोडिस डिपॉजिट होएगा, क्लियर। स्ट्रक्चर देखें सागो स्प्लीन में, आपको ये देखो ये दिख रहे हैं आपको इसे व्हाइटिस, ये क्या है व्हाइटिस है क्या गाइस, ये व्हाइटिस हमने बताया था फॉलिकल्स, ठीक है। और यहां पर साइनसिस, ये साइनसिस, दिस वन इज साइनसिस, मैप लाइक अपीयरेंस, मैप लाइक अपीयरेंस, लोरोडिशियस स्प्लीन, ठीक। ये स्प्लीन की क्या है मॉर्फोलॉजी, क्लियर गाइज यहां तक। अब गाइज अमाइलोडिसिस हम किसका करेंगे, अब करेंगे हम लीवर का, ठीक है। इसको करने से पहले हम एक चीज समझते हैं गाइज, ग्रोस में क्या देखेगा हमें, इनलार्ज पेल वैक्सी फॉर्म लीवर दिखेगा, ठीक है। हम यहां पर बात करें हिस्टोलॉजिकली, ठीक है, ये आपके साइनोसॉइड्स, ये साइनोसॉइड्स हैं, ठीक है, साइनोसॉइड्स ब्लैकिस, ये ऊपर क्या है हेपेटोसाइट्स। अब गाइस दोनों तरफ हेपेटोसाइट होगी, ये क्या है हेपेटोसाइट, ठीक है, नीचे भी हेपेटोसाइट होगी। ये जो स्पेस है गाइस हेपेटोसाइट और साइनोसॉइड्स के बीच में, इस स्पेस को बोलते हैं स्पेस ऑफ डिस्क, क्या बोलते हैं स्पेस ऑफ डिस्क, ठीक। इस स्पेस के अंदर क्या हो जाता है अमाइलॉइड डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है गाइस, अमाइलॉइड डिपॉजिट हो गया। गाइस लेटर क्या होता है, लेटर इट प्रेस, जैसे जैसे यहां पर अमाइलॉइड डिपॉजिट होता जाएगा वैसे वैसे हिपेटोसाइट को क्या करेगा प्रेस करेगा, हिपेटोसाइट पे यहां पर प्रेशर आएगा, और जैसे जैसे हिपेटोसाइट पे प्रेशर आएगा यहां पर जो हिपेटोसाइट्स हैं उसकी क्या हो जाएगी एट्रोपी, हिपेटोसाइट्स की क्या हो जाएगी एट्रोपी, इट प्रेसेस द हिपेटोसाइट्स एंड हिपेटोसाइट्स आर एट्रोफाइड, ठीक है। तो लीवर सेल है वो एट्रोफाइड हो जाएंगी एंड श्रंकन, और क्या हो जाएंगी श्रंक कर जाएंगी, ठीक है। अब अमाइलोडोसिस हम देखते हैं गाइस, अब देखते हैं हर्ट का अमाइलोडोसिस, किसका अमाइलोडोसिस देखेंगे, हर्ट का अमाइलोडोसिस यहां पे देखते हैं, ग्रोस देखते हैं हर्ट की, हर्ट क्या हो जाता है इनलार्ज्ड हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल सरफेस है हर्ट की वो क्या हो जाती है, आपकी
पेल हो जाएगी, ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी और वैक्सी हो जाएगी, ठीक है, इनलार्ज हो जाएगा और जो एक्सटर्नल सरफेस है पेल, ट्रांसल्यूसेंट और वैक्सी यहां पर आपको अपीयर होगी। माइक्रोस्कोपी के हमने देखें हर्ट में, तो गाइस जो अमाइलॉइड होती है हर्ट के अंदर वो आपका कोरोनरीज एंड देयर स्मॉल जो उनकी ब्रांचेस है वहां पर डिपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब गाइस हमने यहां पर एक चीज देखें, जो प्राइमरी अमाइलॉइडोसिस है एएल डिपोजिशन, वो अराउंड वो कहां पर जो मायोकार्डियल जो फाइबर्स हैं वहां पर अराउंड वहां पर क्या हो जाएगा डिपोजिट हो जाएगा प्राइमरी अमाइलॉइडोसिस। प्राइमरी अमाइलॉइडोसिस में एएल टाइप होता है, तो एएल टाइप अमाइलॉइडोसिस कहां डिपोजिट हो जाएगा मायोकार्डियल फाइबर्स के अंदर रिंग के फॉर्म में डिपोजिट होता है, ये बात आप ध्यान रखना रिंग के फॉर्म में डिपोजिट होएगा। और यहां पर गाइस तीन कंडीशंस होंगी, क्लिनिकली हम देखें क्लिनिकल फीचर्स देखें तो एरिथमिया हो जाएगा और कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, ठीक है, इस अमाइलॉइडोसिस से हर्ट के अंदर एरिथमिया हो जाएगा कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी और साथ साथ में क्या होगा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकर, राइट जो बंडल ब्रांच है उसका क्या हो जाएगा ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। जीआईटी की बात करें हम, जीआईटी के अंदर टंग जो है टंग का इन्वॉल्वमेंट होता है और उससे एक कंडीशन हो जाएगी आपके मैक्रोग्लोसिया, ठीक है, मैक्रोग्लोसिया, ठीक है। तो गाइस ये हमारा आपका पूरा हुआ, ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई, पूरा अमाइलॉइडोसिस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दो पार्ट में हमने डिस्कस किया, पहला पार्ट दूसरी वीडियो में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और ज्यादा ही अच्छी लगी हो और आपको नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए तो आप